दोस्तों भारत को वर्ल्ड कप जीते 3 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर 29 जून की रात का एक एक लम्हा अब भी आंखों के सामने तैर रहा है। जीत के बाद के रोहित के मैदान पर लेटकर खुशी के मारे हाथ पटकना, सिराज का बच्चों की तरह मैदान पर आंसू बहाना, रोहित के गले लगकर विराट का आंसू छिपाना, मैदान के कोने में अर्शदीप का अपनी माँ को मेडल पहनाना, उस जीत के बाद का एक एक लम्हा अब भी आंखों के सामने ऐसे तैर रहा है जैसे ये सब कुछ अभी हुआ हो। और सच कहूं तो जीत की एक्साइटमेंट जो 3 दिन पहले थी उसमें आधा डिग्री भी कमी नहीं आई है। भारतीय फैंस अब भी उस जीत की धुन पर मन ही मन नाच रहे हैं। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यार T20 वर्ल्ड कप तो भारत ने 2007 में भी जीता था, इससे पहले हमने 50 ओवर के 2 वर्ल्ड कप भी जीत रखे, तो इस बार की जीत में ऐसा क्या स्पेशल है कि इसका स्वाद जबान से जा ही नहीं रहा। इस जीत का करंट अब भी शरीर के रोए रोए में महसूस हो रहा है। और सच कहूं तो मैंने जब इस बारे में सोचा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ T20 वर्ल्ड कप की जीत नहीं है, भारत की इस जीत में हम सब के लिए इतने सबक हैं जितने शायद एक धार्मिक ग्रंथ में होते हैं। भारत की इस जीत को अगर ध्यान से देखें तो इसके सारे डॉट्स उसी शानदार तरीके से आखिर में आके कनेक्ट होते हैं जैसे एक सस्पेंस थ्रिलर के एंड में जाकर आपको पता लगता है कि अच्छा तो इस सीन का ये मतलब था, अच्छा तो उसने ये बात इसलिए बोली थी। मैं दावा करता हूं दोस्तों अगले कुछ मिनटों में जब हम आपको बताएंगे कि ये जीत इतनी स्पेशल क्यों है तो उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं है बल्कि अपने आप में पूरी की पूरी जिंदगी है, लाइफ है। तो क्यों है इस बार की जीत इतनी खास, आइए उसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको याद होगा 2021 के T20 वर्ल्ड कप से पहले का टाइम था, विराट अचानक इस बात की अनाउंसमेंट करते हैं कि बतौर कैप्टन ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप। फिर कुछ दिनों बाद ये भी पता चलता है कि उन्होंने IPL में बेंगलुरु की कप्तानी भी छोड़ दी। धीरे धीरे ये क्लियर हो जाता है कि अगर विराट T20 की कप्तानी नहीं करेंगे तो शायद उन्हें 50 ओवर की कप्तानी से भी हटा दिया जाएगा, और एंड में ऐसा ही होता है, उन्हें 50 ओवर की कप्तानी से भी हटा दिया जाता है। पता लगता है कि सिलेक्टर्स रोहित को T20 में कैप्टन बनाना चाहते थे और रोहित की डिमांड ये थी अगर मुझे कैप्टन बनाना है तो सभी तरह के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कैप्टन बनाओ। इसके बाद विराट को जिस तरह बिना कॉन्फिडेंस में लिए 50 ओवर की कप्तानी से हटाया जाता है उससे वो काफी हर्ट होते हैं। वो इस बारे में खुलकर सबको बताते भी। उस टाइम मैंने कम्युनिकेट किया था कि जी हाँ मैं ODI और टेस्ट में कंटिन्यू करना चाहूंगा अनलेस कि ऑफिस बेयरर्स और सिलेक्टर्स को लगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करनी चाहिए, और ये भी मैंने कॉल पे क्लैरिफाई किया था उस टाइम। इसके बाद मीडिया में कई दिनों तक विराट और रोहित को लेकर नेगेटिव खबरें भी आती हैं। इनमें से काफी खबरें सच भी थीं। दोनों के रिलेशन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थे, और विराट जब कैप्टन थे तब भी रोहित के साथ उनके रिलेशन को आप परफेक्ट नहीं कह सकते थे। ये सब बातें दोस्तों मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि भारतीय क्रिकेट के ये दो लेजेंड खिलाड़ी जो अपनी कैप्टनसी में टीम इंडिया को नई ऊंचाइयां देना चाहते थे ताकि हिस्ट्री में उनका नाम भी याद रखा जाए। और फाइनली जब वो दिन आता है, जब T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आता है, जब रोहित के पास ये मौका होता है कि वो अपनी टीम को टूर्नामेंट जिताकर हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं, मगर ठीक उसी बड़े मैच में वो फेल हो जाते हैं। वो ही नहीं, उनके बाद पंत और सूर्या भी नहीं चलते, टीम का स्कोर 30 के आसपास 3 विकेट हो जाता है। यहां से एक विकेट और गिरता तो टीम इंडिया के लिए 125 रन बनाना भी मुश्किल हो जाता, मगर यहीं पर सामने आते हैं विराट कोहली। वो विराट कोहली जो पूरे टूर्नामेंट में नहीं चले थे, लेकिन इस मैच में वो वैसी इनिंग खेलते हैं जैसी उन्होंने अब तक नहीं खेली। कुछ लोग उन्हें इस बात के लिए क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि कोहली बीच में धीरे खेले। अरे चचा, अगर कोहली बीच में रिस्क लेते और क्लासन की तरह वो भी टारगेट तक पहुंचने से पहले आउट हो जाते तो टीम इंडिया 125 रन भी नहीं बना पाती। कोहली के दिमाग में एक टारगेट था और आखिर के 3 ओवर्स में वो टीम को उस टारगेट तक पहुंचा भी देते हैं। कोहली के उन वैल्यूएबल रन्स की बदौलत टीम इंडिया 176 तक पहुंचती है। टीम इंडिया आखिर में 7 रनों से जीत जाती है और विराट कोहली उस फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच बनते हैं। मतलब उस कोहली की इनिंग की बदौलत रोहित शर्मा एक वर्ल्ड चैंपियन टीम के कैप्टन कहलाने के लायक बनते हैं, जिस कोहली को कुछ वक्त पहले तक उनका दुश्मन माना जाता। मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जब से शाहीन अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को फिर से पाकिस्तान का कैप्टन बनाया गया तब से शाहीन खुश नहीं थे। यहां तक कि शाहीन ने एक ऐसे इवेंट में भी जाने से मना कर दिया था जिसमें बाबर को भी जाना था। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में शाहीन का परफॉर्मेंस इसलिए भी अच्छा नहीं था क्योंकि उन्होंने उस तरह जोर नहीं लगाया। अब आप इसकी तुलना इंडियन क्रिकेट से करिए। अगर 3 विकेट गिरने के बाद कोहली के मन में 1 सेकंड के लिए भी आया होता कि यार मैं जोर लगाकर टीम को जिता भी दूं तब भी क्रिकेट हिस्ट्री में तो हमेशा रोहित को विनिंग कैप्टन के तौर पर याद रखा जाएगा। मगर फैक्ट ये है कि जब मैं ये बोल रहा हूं, इनफैक्ट जब मैं ये सोच भी रहा हूं ना दोस्तों, तो मुझे शर्म आ रही है क्योंकि विराट जैसा इतना बड़ा प्लेयर, एक इतना बड़ा टीम प्लेयर ऐसी गंदी सोच रख भी नहीं सकता।
कोहली ने वो इनिंग खेली क्योंकि वही उनका रोल था। उनकी इनिंग की बदौलत किसका नाम ऊंचा होता, कौन हीरो बनता, ये उनके सोचने का विषय ही नहीं था। और यहीं से मिलता है हमें इस वर्ल्ड कप जीत का पहला सबक। हालात चाहे जैसे भी हो, हिस्ट्री भी चाहे कैसी भी हो, लेकिन किसी भी इंसान को कभी अपना धर्म यानी अपना फर्ज नहीं भूलना चाहिए। आप अपना काम कीजिए, क्रेडिट, नाम, शोहरत ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, और फिर जो होगा वो सबसे अच्छा होगा, बेस्ट होगा। ये मैसेज खास तौर पर भारत के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले लाखों लोगों के लिए, जहां लोग दूसरे को नीचा गिराने के लिए अपनी कंपनी तक का नुकसान करवा लेते हैं, काबिल आदमी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, उन्हें कंपनी को बर्बाद करवाना मंजूर होता है मगर किसी दूसरे की तरक्की मंजूर नहीं होती। मगर टीम इंडिया ने यह बता दिया कि टीम गेम में टीम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में दुनिया के नंबर वन बैटर है। सेमीफाइनल में रोहित के साथ उनकी इनिंग की बदौलत टीम इंडिया 170 बना पाई थी, मगर फाइनल में जब वो नहीं चले तो क्रिटिक्स ने फिर से अपनी अपनी खानदानी तलवारें बाहर निकाली। सोशल मीडिया पर उन्हें बड़े मैच में चोक करने वाला चोकर भी बुलाया जाने लगा। कहा जा रहा था कि सूर्या भाऊ इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि किसी बड़े मैच में कहीं गलती से भी रन न बना जाए। मैच बस खत्म ही होने वाला था दोस्तों। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 16 रन चाहिए थे, मिलर क्रीज पर थे। अफ्रीका को जीतना था तो मिलर जिता सकते थे, भारत को जीतना था तो हार्दिक करिश्मा कर सकते थे। ऐसे मौके पर और कोई क्या ही कर सकता था, मगर तभी सूर्या ने आखिरी ओवर की पहली गेंद पर क्रिकेट इतिहास का सबसे हैरत अंगेज कैच पकड़कर सनसनी फैला दी। एक खिलाड़ी जो मैच के 39 ओवर तक कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया था, और आखिरी ओवर भी अगर उसी टीम के फेवर में नहीं जाता तो फिर से उसे गालियां पड़नी तय थी, मगर तभी सूर्या ने यह बताया कि तब तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता जब तक कि सच में सब खत्म न हो जाए। वो सूर्या जो मैच के 39 ओवर तक फेलियर थे, उन्होंने सिर्फ 6 सेकंड में वो कर दिखाया जिसने टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। बड़े मैच में जहां बाकी फील्डर्स हाथ में आया कैच छोड़ देते हैं, हर्शल गिब्स का वो कैच याद है आपको, 1999 वर्ल्ड कप में स्टीव वॉ का एक आसान सा कैच उन्होंने छोड़ दिया था और उनकी टीम के हाथ से वर्ल्ड कप फिसल गया था, वहीं सूर्या ने बिना घबराए बिना पैनिक किए उस 6 सेकंड के वक्त में अपने नर्व को बनाए रखा और टीम को चैंपियन बना डाला। सूर्या का ये कैच बताता है कि लड़ाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उस लड़ाई में आपका किरदार चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आप उस वॉर के उस युद्ध में एक मामूली प्यादे ही क्यों ना हो, मगर एक मामूली प्यादा भी सही वक्त पर करारा हमला करके पूरे वॉर की पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इसने हमें ये बताया कि किसी भी लड़ाई में कोई छोटा नहीं होता, किसी लड़ाई में कोई हारा नहीं होता, हारा बस वही है जो लड़ा नहीं, और जो आखिर तक लड़ते हैं वही सूर्या की तरह चमकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में टखने पर चोट लगने के बाद हार्दिक टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे, फिर खबर आई कि वो गुजरात छोड़कर मुंबई जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मुंबई इंडियंस ने उन्हें कैप्टन भी बना दिया। जैसे ये खबर रोहित के फैंस को पता लगी तो उस दिन से उन्होंने पांड्या का जीना आराम कर दिया। पूरे IPL में हार्दिक को बू किया गया। लोगों के इस बिहेवियर का असर उनकी परफॉर्मेंस पे भी पड़ा। मुंबई इंडियंस बुरी तरह हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद पता चला कि उनके पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मतलब 3 महीनों में हार्दिक के साथ जो कुछ भी गलत हो सकता था वो हुआ। सबसे ज्यादा झटका तो लगा उनकी इमेज को। तीन महीने तक ये सब कुछ चलता रहा। पूरे वर्ल्ड कप में हार्दिक ने बॉल और बैट से शानदार परफॉर्मेंस दी, और फाइनल में जब अफ्रीकी टीम को जीतने के लिए 24 गेंदों में 26 रन चाहिए थे, क्लासन ने मार मार कर भारतीय गेंदबाजों का भरता बना रखा था, तभी हार्दिक ऑफ स्टंप के बाहर एक स्लोअर बॉल फेंकते हैं, गेंद क्लासन के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर पंत के हाथों में चली जाती है, भारत और जीत के बीच का सबसे बड़ा रोड़ा बाहर हो जाता है, और फिर आखिरी ओवर में जब अफ्रीका और वर्ल्ड कप के बीच 16 रनों का फासला था तभी गेंद करने आते हैं हार्दिक पांड्या। 2 महीने पहले जिस हार्दिक की कप्तानी में खेलने पर रोहित भी नाखुश थे, उनके फैंस को भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसी हार्दिक ने फाइनल के आखिरी ओवर में जादुई बॉलिंग करके टीम इंडिया को 17 साल बाद T20 चैंपियन बना दिया। जिन रोहित की वजह से हार्दिक को इतनी गालियां पड़ी थी, उन्हीं हार्दिक की परफॉर्मेंस के चलते आज रोहित की जय जयकार हो रही है। दोस्तों हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि रोहित के कहने पर उनके फैंस ने हार्दिक को इतने महीने ट्रोल किया, लेकिन ये भी सच है कि हार्दिक भी अच्छे से जानते थे कि 2 महीने उनके साथ जो बुरा सलूक हुआ वो किसी खिलाड़ी के कारण हुआ, मगर इसके बावजूद इन सब बातों ने उनके खेल पर कोई असर नहीं डाला। आखिरकार उसी हार्दिक की परफॉर्मेंस ने न सिर्फ उनके क्रिटिक्स का मुंह बंद किया बल्कि इस जीत में अपने योगदान को पत्थर की लकीर की तरह सालों साल के लिए दर्ज करवा दिया।
हार्दिक का वो नेवर से डाई एटीट्यूड, उनका वो प्रोफेशनलिज्म ये बताता है कि चाहे तो सारी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, आपका जीवन साथी, आपके चाहने वाले, आपके कुलीग भी, लेकिन अगर आपको खुद पर भरोसा है, आपकी नीयत साफ है, आपका इंटेंट सही है, तो यही दुनिया कल को आपके कदमों में नाक रगड़ेगी, वो झुककर आपको सलाम करेगी। आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी हर किसी को जवाब मिल जाएगा, और यही हार्दिक ने किया। उन्होंने उनको ट्रोल करने वाले, उनका मखौल उड़ाने वाले किसी भी इंसान को जवाब नहीं दिया, मगर उनके उन दो ओवर्स ने सबको हमेशा हमेशा के लिए जवाब दे दिया, चुप कर दिया। दोस्तों 2007 का वो साल था जब भारत ने पहला T20 वर्ल्ड कप जीता था, और यही वो साल था जब भारत 50 ओवर वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज से हारकर बाहर हो गया था। उस वक्त राहुल द्रविड़ टीम के कैप्टन थे, वो राहुल द्रविड़ जिन्होंने टीम इंडिया के लिए तब तक क्या नहीं किया था। वो टीम के फायदे के लिए विकेट कीपिंग कर लेते थे, टीम कहती थी तो ओपनिंग पर भी आ जाते थे, मिडिल ऑर्डर में भी उतर जाते थे, मैनेजमेंट ने कहा तो वो कैप्टन भी हो गए। मगर उन जैसे प्योर जेंटलमैन की कप्तानी में जिस तरह 2007 के वर्ल्ड कप से टीम इंडिया बाहर हुई, इसकी टीस उनके हर चाहने वाले को थी। 2011 का वर्ल्ड कप आते आते वो ODI टीम से भी बाहर हो चुके थे। टेस्ट में उनका स्टेटस एक लेजेंड का था, मगर वो हमेशा सचिन की छाया में ही रहे। क्रिकेट छोड़ने के बाद जहां बाकी प्लेयर्स या तो कमेंट्री करने लगे या ऐश की जिंदगी जीने लगे, वो द्रविड़ ही थे जिन्होंने डिसाइड किया कि वो जूनियर प्लेयर्स के साथ काम करेंगे। मतलब 20 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बावजूद वो फिर से मैदान पर जूनियर खिलाड़ियों के साथ पसीना बहाने के लिए तैयार थे। उनकी मेंटरशिप में जूनियर टीम ने कई झंडे गाड़े, फिर फाइनली वो सीनियर टीम के भी कोच बने। मगर जिस तरह उनके तमाम एफर्ट्स के बावजूद टीम इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हारी, फिर ODI वर्ल्ड कप में हारी, इसकी मायूसी सभी को थी। हर किसी को यह पता था कि ये T20 वर्ल्ड कप बतौर कोच राहुल द्रविड़ का आखिरी टूर्नामेंट होगा। फाइनल मैच के आखिरी पलों में जब टीम इंडिया हारती हुई दिखाई दे रही थी, तो सबसे ज्यादा अफसोस द्रविड़ सर के लिए ही हो रहा था लोगों को, कि इतना बड़ा खिलाड़ी, इतना लंबा करियर, इतने सालों की मेहनत, क्या इसके बावजूद उनके हिस्से में एक वर्ल्ड कप कभी नहीं आएगा। और फाइनली जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीती, कोहली ने उन्हें ट्रॉफी थमाई और द्रविड़ सर ने ट्रॉफी को ऊंचा उठाकर हुंकार भरी, तो ऐसा लगा कि सालों से दबे हुए इमोशंस निकलकर आज एक झटके में बाहर आ गए। एक महान खिलाड़ी और एक महान कोच के करियर का इससे शानदार अंत और क्या हो सकता था। द्रविड़ सर के कोचिंग करियर की इससे खूबसूरत हैप्पी एंडिंग और क्या हो सकती थी, बताइए। थैंक यू टू एवरीवन फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ व्हाट इज एन इनक्रेडिबल मेमोरी। कहते हैं सालों का संघर्ष, सालों की मेहनत और सालों की स्ट्रगल एक दिन बड़े खूबसूरत तरीके से आपके आगे आती है। मुंबई इंडियंस को 5 बार IPL जिताने के बावजूद ICC टूर्नामेंट न जीत पाने की रोहित शर्मा की बेचैनी, 13 साल से ICC कप न जीत पाने का कोहली का अफसोस, द्रविड़ सर के सालों का संघर्ष, पंड्या पर हो रही महीनों की छींटाकशी, आखिरकार इन सब का जवाब एक जीत ने दे दिया। 29 जून को मिली उस एक जीत ने करोड़ों लोगों की बेचैन रूह को तसल्ली दे दी। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये जीत बहुत स्पेशल है, ये जीत सबसे स्पेशल है। हो सकता है इस जीत के बाद हमारे लिए ICC ट्रॉफीज जीतने का एक नया सिलसिला शुरू हो जाए, हो सकता है कि इसके बाद वर्ल्ड कप जीतना भी हमारे लिए नॉर्मल हो जाए, मगर ये जीत इन सब कारणों से, इन सब रीजन से हमेशा खास रहेगी। कोहली और रोहित क्या सोचते हैं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये दोनों ग्रेट प्लेयर बिना कोई वर्ल्ड कप जीते अगर रिटायर हो जाते तो हम फैंस को सारी जिंदगी इसका अफसोस रहता। मगर ईश्वर की कृपा से और इन खिलाड़ियों के हर हाल में खुद से ऊपर टीम को रखने के जज्बे ने हमें उस अफसोस से बचा लिया। और ये कोई मेरी या एक दो लोगों की फीलिंग नहीं है, पूरी दुनिया में रह रहे एक एक भारतीय के इमोशंस हैं। तभी तो जीत के इतने दिन बाद भी अब भी गली नुक्कड़, ऑफिस, इंस्टाग्राम, ट्विटर, हर जगह इस जीत की चर्चा हो रही है। अभी भी लोग आखिर के उन 5 ओवर्स की एक एक बॉल को डिस्कस कर रहे हैं, लूप में डालकर सूर्या का वो कैच देख रहे हैं, बुमराह के उन 2 ओवर्स की शान में शायरियां लिख रहे हैं, हार्दिक पंड्या के आंसू पोंछने के लिए रूमाल से अपनी TV स्क्रीन साफ कर रहे हैं, और बार बार YouTube पर जाकर पाकिस्तानी रिएक्शन ऑन इंडियन विन ये सर्च करके पाकिस्तानी चैनलों के वीडियोस देख रहे हैं, ताकि पता चल सके कि भारत की इस जीत के बाद उनके घर पर मैदा है या सूजी है। वैसे 3 दिन में ये तो पता लग गया कि पाकिस्तान की बढ़िया वाली सूजी है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों दोनों की सूजी है। और जिनकी सूजी है उन्हें मैं यही कहूंगा कि जहां जहां सूजी है वहां बर्फ की सिल्ली से सिकाई करवा लो, और अभी से कैलेंडर देखकर चेक कर लो कि अगली बार भारत के हाथों फिर से कब सुजाना है, जलील होना है। हेलो, सुना है पाकिस्तानी चैनल का एक बंदा ये कह रहा था कि बुमराह का एक्शन चेक करवाओ, बड़ी गड़बड़ी है। अरे ओ बी वाले चचा, बी मतलब क्या, आप कमेंट करके बताना। उन चचा को मैं कहना चाहूंगा कि चचा जो खराब है वो बुमराह का एक्शन नहीं है, वो तुम्हारा
खैर छोड़ो, अब मैं आगे क्या ही बोलूं। आप बस चैनल सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो पसंद आई हो तो इसे और भी लोगों तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि ये जीत क्यों है स्पेशल और इस जीत से हम सब ने क्या क्या सीखा, ये बहुत सारे लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम सब अपनी लाइफ की हर एक लड़ाई, हर एक जर्नी, हर एक जीत, हर एक हार में इस वर्ल्ड कप से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।